क्योंकि स्टार्टिंग से रोशन सर ने हमें इतना कंफर्टेबल किया था कि हम लोग कुछ भी मतलब है तो उनके पास जाके हम लोग कंफर्टेबली बोल सकते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने बताया कि सनमाइका आपको चॉइस करना है, तो हमें लगा ये कहाँ आके पहुँच गए कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा लगा कि ये हमसे होगा ही नहीं, एक बार तो ऐसा लगा कि हम लोग पिटी कर देंगे, नहीं सर आपको जो चाहिए वो आप कर लो, हमें आप जो करोगे वो ठीक है। लेकिन रोशन सर ने बताया ऐसा नहीं है मैडम, आखिर तो आपको ही रहना है इस घर में, तो थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट करो। तो हम लोग 10 बार जाके आए तो हमको लगा कि ये तो होने वाला नहीं है। फिर रोशन सर खुद आए और उन्होंने बताया एक काम करो, एक टीवी के जो वॉल है ना वो आप देख लो, उसका कलर पहले पहले चॉइस करो, बाद में आपको उसी हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन करते जाओ। तो हमने एक चॉइस किया और उसके हिसाब से हमने पूरा, ऐसा लगा कि अरे ये तो आसान है, ठीक है हम लोग कर सकते हैं। तो हम दोनों मिलके क्या किया कि उसमें ऐसे देखा जाए तो एक ही कलर लगता है, लेकिन बीच-बीच में जो हम लोग ढूंढते 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 इतना अच्छा कलर मिलते गए कि ऐसा लगा कि ये कुछ हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है हमने किया और एंजॉय करते गए एंजॉय करते गए, ये जो जर्नी है ना हमें इतना अच्छा लगा कि अरे खत्म हो गया ऐसा लगने लगा, बहुत अच्छा लगा। और उनका जो टीम है वो हम लोग जो भी बोलते थे ठीक है हम लोग कर देंगे, ठीक है हम लोग कर देंगे, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। और वो मंदिर जो का जो पार्ट है ना वहां पे जाके वहां भी हम लोग अटके, करना क्या है वहां पे, तो वहां पे जाके स्लोली स्लोली ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बनते बनते ये घर पूरा हो गया और हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। रोशन सर ने इतना कंफर्टेबल कराया क्योंकि उन्होंने बताया कि कितना भी आप करो आखिर में आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। लोगों को क्या है वो किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा, लेकिन आखिर में आपको अच्छा लगना चाहिए। और हम लोग इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिला है हमको, हम तो बहुत खुश हैं इससे, ये जर्नी हमें बहुत खुशी मिली है। किचन के बारे में हाँ, और किचन में हमें पहले लगता था कि टैंडम बास्केट लगाया नहीं लगाए या नहीं, बाद में रोशन सर ने बताया कि अगर आपको लग रहा है कि टैंडम बास्केट लगाने से क्या फायदा है सब उन्होंने डिटेल बताया, तो मुझे भी अभी लग रहा है कि अच्छा हुआ हमने वो उनके बात सुन के अच्छा किया करके अभी लग रहा है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना तो उसके हिसाब से उन्होंने जो भी बताया हम लोग उनके साथ चलते गए और अभी जो भी किया है वो परफेक्ट है अभी हमको लग रहा है। थैंक यू। मेरा नाम विनायक कालन, मैं नवा अनुराधा दर्शन सोसाइटी में रहता हूँ। रोशन इंटीरियर से हमारी पहली जो मुलाकात हुई वो जब ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तभी हम लोग एक बार रिजेंसी आनंदन में गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने रोशन इंटीरियर्स का एक बार जाके काम देखा। काम देखने के बाद हमको वो काम बहुत पसंद आया, तो अभी थॉट कि हम इनको ही काम दे देंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आपका घर अंडर रिकंस्ट्रक्शन है, तो जैसे ही आपका पोजीशन मिलेगा आप हमें आके बताओ, तो हम इमिडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही पोजीशन हमें मिला, तो पहले मैंने एक दो जगह और भी वीडियोज वगैरह देखे थे, तो रोशन सर का भी वीडियो देखा, फिर गूगल में जाके उनका रेटिंग देखा तो 5 स्टार रेटिंग था। तो मुझे लगा कि हम लोगों को इनके साथ ही काम करना चाहिए। जब भी ये कंस्ट्रक्शन जब भी शुरू रिनोवेशन जब भी हम लोगों को करने का हम लोगों ने डिसाइड किया था, इंटीरियर करने का डिसाइड किया था, तभी हमको ऐसा लग रहा था कि इस ये घर आखिर में हमको कैसे दिखेगा। वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि हाउ आउटलुक विल बी ऑफ दिस हाउस। तो इसलिए फिर हम शुरू शुरुआत में जब भी उन्होंने जब वो आए थे, तभी इमिडिएटली उन्होंने हमको एक इमिडिएटली विद इन 1 आवर हमको कोटेशन दे दिया कि आपका इतने तक कोटेशन होगा, इस तरह से आइडिया आएगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किए थे इस कोटेशन को हम लोग किस तरह से करेंगे, और फिर कुछ आइडियाज हम लोगों ने हमारे हिसाब से मॉडिफाई की, तो उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए, तो वहाँ चले गए। मिलकर हम लोगों ने एक ओवरऑल आउटलुक घर का कैसे होगा वो 3D में उन्होंने हमें दिखाया, और ये सारे इतनी क्विक मतलब उनका रिस्पॉन्स रहता था हर एक चीज में। तो हमें ऐसे ही लगता था कि आगे जाके एक के बाद। तो अल्टीमेटली जब भी ये एक डिजाइन बन गया, तो एक धीरे धीरे पहले फर्नीचर हुआ, फिर
पीओपी, ये सारे वर्ड्स एक साथ होते गए। जब भी पढ़ने उन्होंने हर एक समय में हम वो हमसे बोलते थे कि आप अभी ये फर्नीचर के लिए आप कुछ ढूंढो, या फिर आप सनमाइका वगैरह आपको चॉइस करना है तो आप अभी आपके पास 8-15 दिन है, तो 15 दिन में आप चॉइस करके रखो। फिर हम लोगों को पहले लगता था कि ये फर्नीचर चॉइसिंग तो बहुत बड़ा काम है, जैसे मैडम ने भी बताया फर्नीचर, तो क्योंकि फर्नीचर वहाँ पे जाके देखना और यहाँ पे घर में लगने के बाद देखना, वो आउटलुक हमारे पास नहीं आता है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर उनके वो जब भी हम लोग बुलाते थे तो तुरंत आके कोई भी उनके जो शॉप्स है तो वहाँ पे जाके वो इमीडिएटली आते थे, फिर हम लोग सिलेक्ट करते थे तो ये नहीं वो नहीं, तो ऐसे करके हम लोगों ने एक फर्नीचर का या सनमाइका का एक ये किया। ये जब भी काम चल रहा था तभी मैं हर बार उनसे बोलता था, सर ये आउटलुक कैसे लगेगा, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि हाउ इट विल लुक आफ्टर कम्प्लीशन। तो वो बोलते थे कि सर डोंट वरी, एक बार कंप्लीट होने जाने दो, वो एकदम बेहतर लगेगा। और ये जो घर जो बना है तो इट्स लाइक अ ड्रीम हाउस फॉर अस। हम दोनों ने इसके पीछे बहुत सारे कुछ आर्टिफैक्ट्स या जो भी ये जो किया है उन्होंने, तो इसके लिए भी उन्होंने हमें बहुत सारा कोऑपरेशन दिया कि कहीं आर्टिफैक्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो भी हम जाके वहाँ पे देखते थे। कुछ लॉक्स है, हैंडल्स है, जो भी एसेसरीज है, तो वो प्रॉपरली हमें गाइड करते थे कि आप कहाँ पे जाके उसको खरीद सकते हैं। और उनके जो कारपेंटर्स थे उन्होंने भी बहुत कोऑपरेशन किया, और हर एक इसमें हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे नज़दीक में रहते थे, हम यहाँ पे आके देखते थे और फिर उनसे भी पूछते थे, क्योंकि वो रेडीली अवेलेबल रहते थे कि ये क्या चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा अपना सजेशन देते थे। इस तरह से मिल के मतलब एक एज ए टीम, उनके जो काम करने वाले हैं वो एज ए टीम काम करते हैं, और इसीलिए ये घर इतना मतलब हमारा हमको सेटिस्फेक्शन है कि ये घर एकदम अच्छी तरह से बन गया है। तो रोशन इंटीरियर्स ने जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया है तो एकदम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, क्योंकि वह आज भी अभी हम लोगों को दिखता है, आप अगर घर में देखेंगे तो सारे क्वालिटी की चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है, तो उस वजह से घर का जो आउटलुक बन गया है एकदम बेहतर बन गया है। और रोशन इंटीरियर्स कभी भी उनको आप कॉल करोगे तो रोशन इंटीरियर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और उनका एक ही हमेशा ये रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे सर ये आपका घर है, तो आपको जैसे चाहिए जैसे घर चाहिए वैसे आप ये कीजिए, मैं बोलूं या और कोई बोले अल्टीमेटली आपको यहाँ पे रहना है, तो आपका जो जैसे इतना मतलब उन्होंने हमको ये दिया था। उनके सजेशंस होते थे लेकिन वो फिर हमें वो फ्रीडम दिया था उन्होंने कि आप अपना सिलेक्ट करो, जहाँ पे हमको डाउट लगता था या तो हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी तो हम उनको अप्रोच करके बोलते थे सर ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो बोलते कि हाँ नहीं ये अच्छा लगेगा या तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे करते करते ये घर बहुत अच्छी तरह से बन गया है। तो मैं रोशन इंटीरियर्स को थैंक्स बोलता हूँ, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड रोशन इंटीरियर्स टू एवरीबडी, थैंक्स। This home has given us a lot of satisfaction. It is like a dream come true, like my mom and dad said. The work done by Roshan Interiors is like very much satisfying. The ambient lighting, the quality furniture, and all the quality materials used. This home is like he has taken the home, like he has built it for himself, like he has done it personally for himself, like that he has built the house. And to say about our room, it gives us a very good like study weather, like study condition is very good. I had not even dreamt of such a study condition like I would get sometime in my life. Like it is our dream come true. From many years, mom and dad used to think like we would have such home in the future, but now due to Roshan Interiors, this dream has come true. So I would thank sir. I would thank Roshan Interiors and definitely recommend everybody for getting their interior work done through him. Thank you. Yeah, so being a student, I had always wished that I should have a beautiful study table so that I would always get good vibes while studying. And the most the part
part that I liked about it, that the profile light is being put there. So because of that, it creates a very good vibes whenever we study. We get enough amount of light when we study. And the second thing I would like to talk about is the storage space that he has provided everywhere. We could keep our books very properly. It becomes very handy to sort it out. And for the thing I loved is the study table. And when our room was being designed, I and my brother had accompanied Mr. Roshan sir, and smallest of the decision was given to our part. Like, we felt that we are also part of this discussion. So, and we were I remember that we were confused in the color combination. But he provided us a 3D design so that we could be more, we could get more proper view about it. And he gave excellent suggestions to us, and we also liked it. He always kept it on our part to choose whatever we like, because it is our room. So, and I'm very satisfied with whatever work he has done. He's a very comfortable person. You can always tell him about your choices without any hesitation, or you never feel that you should not say it to him. He's very comfortable, and I really like my room. Thank you. I'm
दिस इज रोशन मार्टिस फ्रॉम रोशन इंटीरियर्स. आज जो हम दिखा रहे हैं फ्लैट नव अनुराधा सोसाइटी में, ये है प्रीमियम 2 BHK फ्लैट. मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पे सब ऑडियंस और सब लोगों से कि स्टार्ट टू एंड ये पूरा वीडियो देखिए और रोशन इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए. आपको न्यू आइडियाज, न्यू डिजाइन और बेटर आउटपुट में हम लोग आपको एक बेहतरीन तरफ से हेल्प करना चाहते हैं. तो हमें पूरा तरफ से मौका दीजिए, हमारे ये फुल फ्लैट देखिए और हमको बताइए आपको कैसा लगा ये फ्लैट. अभी हम चालू करते हैं सेफ्टी डोर से. अभी हम आते हैं सेफ्टी डोर में. तो सेफ्टी डोर में ये हमारा फुल एक सेफ्टी डोर. हमने यहाँ पे एक डिजाइनर नेम प्लेट, डिजाइनर हैंडल्स, लेजर कटिंग ग्रिल, अभी का लेटेस्ट तड़का शीट्स, डुबल शीट्स है, टी पट्टी इनसाइड्स है, डिजाइनर शीट्स है, प्रीमियम क्वालिटी है, फुल पैनलिंग करके भगवान के लिए स्पेशल प्लेस करके वहाँ पे हमने फुल ये सेफ्टी डोर को एक डिफरेंट लुक देने का कोशिश किया. यूरोपा का 6-in-1 लॉक सिस्टम, फुल वॉल पैनलिंग किया. जो हमने सेफ्टी डोर को लगाया वही हमने इनसाइड डोर लगाया. इनसाइड डोर को ये हैंडल्स चेंज किया. अभी हम एंटर करते हैं लिविंग रूम में. लिविंग रूम में एंटर करने के टाइम आप मेरा ये फर्स्ट यूनिट देखिए. हमने ये फुल यूनिट एक डिजाइनर यूनिट विद आर्टिफैक्ट्स डाला. सोसाइटी में अलाउड नहीं है शू रैक बाहर रखने के लिए, इसलिए हमने नया एक स्ट्रैटेजी किया. हमने यहाँ पे 3 आर्टिफैक्ट्स डाला, राफ्टर्स बनाया और यहाँ पे हैंडललेस शू रैक्स बनाया. लॉट ऑफ शू रैक्स डाला यहाँ पे आपका अप्रोक्स 20 पेयर्स ऑफ शू रैक्स आएगा. और यहाँ पे हमने ड्रावर्स दिया यूज करने के लिए, सॉक्स और ये रखने के लिए. तो ये कॉम्पैक्ट हमने यहाँ पे एक शू रैक विद ड्रावर्स, फिर आर्टिफैक्ट्स और ये फ्लैटर्स, ये फुल एक वन सेट में किया. हमने ये फुल वॉल पैनलिंग्स किया. अभी हम एंटर करते हैं लिविंग रूम में. लिविंग रूम हमारे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग रूम है रोशन इंटीरियर्स का. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग रूम 2 BHK का. जैसे आप एंटर करते हैं फर्स्ट लुक आता है ये हमारा मंदिर, लेजर कटिंग मंदिर, ड्रावर्स, स्टोरेज, स्टेप वाइज मंदिर दिला, गणपति पप्पा को हमने रखा, बेल्स रखा, स्टोरेज दिया, एवी लाइट्स दिया, ऊपर और एक हमने मंदिर के लिए एक वो स्पेशल प्लेस रखा और डोर भी रखा. यहाँ पे से हमने ये मंदिर के साथ ये टीवी यूनिट्स डाला. अभी लिविंग रूम आप पहले एक बार देख लीजिए, हमारा फुल एक कॉन्सेप्ट लिविंग रूम देखिए. ये मंदिर, डुअल सेट कॉम्बिनेशंस डाला है. फुल लिविंग रूम में हमने 3 कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ थीम दिया. ये लिविंग रूम लार्जर लिविंग रूम है एकदम. टीवी यूनिट्स यहाँ पे डाला. पैसेज एरिया में हमने यहाँ पे डोर्स का फुल कॉम्बिनेशन वन सेट दिया. यहाँ पे हमने सबसे लिविंग रूम में ये हमारा डिजाइनर यूनिट फुल आर्टिफैक्ट्स के साथ, प्रोफाइल लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, आर्टिफैक्ट्स. कस्टमर ने एक एक आइटम यहाँ पे एकदम बेहतरीन चॉइस से यहाँ पे एक एक आइटम्स को किया है. साइज के हिसाब से हमने ग्रास कट्स किया, आर्टिफैक्ट्स डाला, स्लाइडिंग डोर दिया जो मैं आपको आगे वीडियो में स्लाइडिंग डोर्स दिखाता हूँ. वन ऑफ द प्रीमियम स्लाइडिंग डोर्स डालते हैं एनॉक्स फिटिंग के साथ. स्लाइड्स होता है ब्रांडेड हैंडल्स के साथ. आर्टिफैक्ट्स डाला जैसा आप ये डालते हैं. यहाँ पे हमने कर्टन पैनल डाला, ये वॉल फुल पैनल किया. यहाँ पे एक राइटिंग टेबल जैसा बनाने के लिए करने की कोशिश किया, ये आर्टिफैक्ट्स रखा. यहाँ पे हमने कंफर्टेबली एक राइटिंग टेबल हॉल में, यहाँ पे इतना स्पेशियस हॉल था लिविंग रूम में, एक राइटिंग टेबल डाला, एकदम इजी टू ऑपरेट, इजी टू क्लोज. एक्को फिटिंग्स डाला हमने यहाँ पे, ब्रांड पर्दे दिए, एसी यहाँ पे नहीं चाहिए था कस्टमर को तो मैंने पैनल्स दिया, ब्रांडेड पर्दे, डी डेकोर के पर्दे लगाए, एक वॉल माउंटिंग बेड यहाँ पे जो एकदम कंफर्टेबल है सोफा सेट जैसा. सोफा सेट हमने एल शेप में लिया इसलिए यहाँ पे वॉल माउंटिंग बेड लिया. वॉल माउंटिंग बेड के साथ हमने यहाँ पे सोफा सेट दिया. जब भी चाहिए तो वॉल माउंटिंग बेड हम लोग यहाँ पे खींच के दिखाता हूँ, आगे का वीडियो में आपको फुल खींच के दिखाता हूँ. यहाँ पे कंफर्टेबली सोफा, यहाँ से फुल व्यूइंग कैमरा है तो यहाँ से कंफर्टेबल सिटिंग डाला. यहाँ पे हमने एक आर्टिफैक्ट डाला,
ये हमारा डिजाइनर पीओपीस, फुल एक डिजाइनर पीओपीस डाला विद लॉट्स ऑफ लाइट्स, वार्म लाइट्स और पैनासोनिक का लाइट्स डाल के लिया यहाँ पे। यहां से आप अभी देखिएगा तो ये सोफा सेट का व्यू पॉइंट हो गया। ये हमारा सेफ्टी डोर का हमने सनमे का चेंज किया। यहाँ पे एंट्रेंस आएगा तो ये आर्टिफैक्ट्स दिखा है, प्रीमियम हैंडल्स दिया यहाँ पे अपने मैनेजर को। जैसे मैं स्टार्ट किया शू रैक बाहर अलाउड नहीं था, तो ये मैंने एक शू रैक बनाया, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स डाला, तो कोई भी अंदर आते पूरा घर दिखेगा नहीं, सिर्फ ये कोने कोने में दिखेगा जो अपने को पूरा रूम को एक प्लीज स्टॉप करेगा और बताएगा कि यहाँ से जो भी बाहर है उसको पूरा व्यू पॉइंट नहीं दिखेगा। तो ये शू रैक भी बनाया और ये आर्टिफैक्ट्स का हमने दिखाया। ये पार्टीशन के बाद हमने यहाँ पे स्पेस बचा था और लिविंग रूम इतना बड़ा था कि यहाँ पे हमने ये फुल वॉल पैनलिंग किया, प्रोफाइल लाइट्स डाला, लॉट ऑफ स्टोरेज बनाया, हाइड्रोलिक्स बनाया, डोर्स के लिए हमने लॉट ऑफ स्टोरेज दिया। यहाँ पे ये लिविंग रूम का एक स्टैंडर्ड अप करने के लिए यहाँ पे हमने ओपन स्पेस दिया, प्रोफाइल लाइट्स दिया और आर्टिफैक्ट्स दिया, लॉट ऑफ स्टोरेज यहाँ पे डाला, ये फुल वॉल पैनलिंग किया। ये आपने देखा रहेगा तो मैंने फुल एक एल यू शेप हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स डाला। प्रोफाइल लाइट्स में ये जो पिलर फॉर्म था पिलर को कम करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा पीओपीस किया। मंदिर का यूनिट के लिए यहाँ पे फोल्डेबल डाइनिंग टेबल बना, कभी भी आप यूज कर सकते हो डाइनिंग टेबल, जब भी कंफर्टेबल रहेगा, जब भी नहीं चाहिए तो उसको फोल्डेबल कर सकता है। हमने यहाँ पे चेयर्स रखा, जब भी चाहिए जब यूज कर सकते हैं, जब भी नहीं चाहिए जब भी आप रख नहीं सकते। मंदिर के बाजू में हमने यहाँ पे फुल पैनलिंग किया, ये आर्टिफैक्ट्स लगाया और यहाँ पे फोल्डेबल डाइनिंग टेबल, फोल्डेबल डाइनिंग टेबल एकदम इजी टू यूज किया। ये हमने फोल्डेबल टेबल यहाँ पे बड़ा बनाया, ये फुल एक फीट तक कंफर्टेबल सिटिंग है यहाँ पे फाइव पीपल का, 40 kg तक वेट उठा था, इजी टू यूज और वेरी यूजफुल है। ये आप डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज करो, राइटिंग टेबल यूज करो, वर्क स्टेशन यूज करो। ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल हम लोग सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं, ये मल्टीपल यूज होता है घर के लिए और कभी भी कुछ रहेगा तो एकदम इजी टू यूज होता है और इजी टू ओपन है, एनीबॉडी कैन यूज। ये लिविंग रूम इतना बड़ा है कि हमने यहाँ पे टू पार्टीशन दिया, पिलर फॉर्म में था इसलिए यहाँ पे एक डिजाइनर पीओपीस डाला, चैंडेलाइट्स डाला, ऑटोमॉक का फैंस डाला। ये सेक्शंस में भी हमने डिफरेंट पीओपी स्टाइल्स दिया, यहाँ पे भी हमने डिजाइनर पीओपी डाला विद लाइट्स और यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हमने डाला टीवी यूनिट्स में। और ये पैसेज एरिया है, पैसेज एरिया में भी हमने लाइट्स दिया, हैंगिंग लाइट्स दिया। तो ये फुल लिविंग रूम में हमने 3 types ऑफ पीओपी किया विद प्रोफाइल लाइट्स। और अभी लिविंग रूम का बालकनी आपको दिखाता हूं, बालकनी का हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोर ऊपर किया कंफर्टेबल हाइट्स के लिए। यहाँ पे हमने प्लांटेशंस लगाए, मस्कीटो नेट्स लगाए, जिंदाल कंपनी का मस्कीटो नेट्स और इनविजिबल ग्रिल लगाए, फुल 3mm क्वालिटी का पीवीसी शीट्स लगाए हमने यहाँ पे। पीवीसी शीट्स लगाने के लिए बाद ये बालकनी एकदम कॉम्पैक्ट था तो हमने यहाँ पे कपड़े के लिए रॉड्स लगाए, कंपनी का रॉड्स पे भी एकदम इजी टू यूज किया है हमने। यहाँ पे 5 rods लगाए, ये फुल नीचे आता है कपड़े से उगाने के, फुल ऊपर आता है। और ये यहाँ पे हमने वॉल माउंटिंग बेड दिया, वॉल माउंटिंग बेड ये लिविंग रूम में एक्स्ट्रा बेड मैट्रेस जैसा दिया है, सोफा सेट को यहाँ पे दिया, एक्स्ट्रा मेहमान आया तो यहाँ पे कंफर्टेबल सिटिंग। ये वन सिंगल बेड का ये है तो ये जब हम लोग उठते हैं तो ये सोफा कम बेड का जैसा होता है और जब अपना स्पेस कम रहेगा तो हम लोग इजी टू ओपन इजी टू क्लोज करके ले सकते हैं। पहले लिविंग रूम से एंटर करेगा ना पहले किचन का लुक था तो हमने यहाँ पे फुल एक पार्टीशंस बनाए, लिविंग रूम अपना ओपन किचन कॉन्सेप्ट को क्लोजर किचन बनाया। एंटर करते समय फुल ये किचन ओपन किचन दिया था बिल्डर ने तो हमने ना उसको फुल एक पार्टीशंस वॉल दिया और एक स्लाइडिंग डोर दिया तो यहां से क्या हुआ ये फुल एक पार्ट लिविंग रूम क्या होगा। यहां से जब फर्स्ट एंट्री आता है ये मेरा फुल एक डिजाइनर लुक भी आ गया और आर्ट इफेक्ट्स डालने के बाद इसका जो ग्लो है ये फुल एक यूनिट एक फुल एक डिजाइनर यूनिट दिखने लग गया। जो सनमे का हमने टीवी यूनिट्स को डाला, फुल डोर्स को हमने सनमे का चेंज किया तो यहाँ पे भी हमने डोर्स को सनमे का डाला। एनॉक्स का फिटिंग्स हमने यहाँ पे यूज किया। अभी स्लाइडिंग डोर यूज करते समय अभी हमारा एंटर करते हैं यहाँ से किचन में, किचन में आप एंटर करते समय हमने ये फुल एक एक्रेलिक किचन यूज किया, फुल 2mm क्वालिटी का यूज किया,
ब्रांडेड 2 mm हमने एक्रेलिक शीट्स यूज किया। आप जब एंटर करते हैं ये फुल एक ब्रॉडर किचन, यहाँ पे हमने ये कर्टन लगाया है, ये अभी का लेटेस्ट कर्टन पैनल से यहाँ पे दिखता है। ये हमारा सेकेंड फ्लोर में फ्लैट है तो बाहर से आएगा तो यहाँ से फुल व्यू पॉइंट है, तो ये पूरा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे हमने ये कर्टन्स डाला, कर्टन्स भी हमने एकदम इजी गोइंग डाला कर्टन्स। कर्टन्स हमने ऊपर किया, ये बिल्डर का स्लाइडिंग था, फ्लोर्स अपने अप किया, यहाँ से कंफर्टेबल व्यू है, मस्कीटो नेट्स लगाया, पीवी शीट्स लगाया। अभी आप जैसा किचन में एंटर करते हैं ना, हमारा फर्स्ट लुक ये डिजाइनर प्रोफाइल लाइट्स के साथ हमने ये डिजाइनर यूनिट बनाया पीओपी में। प्रोफाइल लाइट्स दिया दोनों यहाँ पे आगे नीचे, टैंडम बास्केट्स दिया हितेश कंपनी का जो 60 kg प्लस वेट देता है सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ, कांदा बटर का ट्रॉलीज दिया यहाँ पे हमने, फुल टैंडम सेट यहाँ पे डाला हितेश कंपनी का, ट्रे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ, डिकर ट्रेस इफेक्ट्स के साथ, और ये फुल यूनिट फ्लूटेड ग्लास डाला अभी का लेटेस्ट फ्लूटेड ग्लास ब्राउन शेड्स में कॉम्बी। ये हम लोग ने यहाँ पे सब हैंडललेस बनाया, एक्रोलिक्स 2 mm 3 lamps का ब्रांड और एकदम प्रीमियम 2 mm प्लस क्वालिटी हमने यहाँ पे यूज किया। ये ब्रॉडर किचन पैलर किचन डाला, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स डाला, एलिका का ब्रांड्स और गैस डाला। अभी हम अपोजिट सेक्शन में आए, अपोजिट सेक्शन में हमने यहाँ पे फुल एक बड़ा टॉल यूनिट बनाया, लॉट्स ऑफ स्टोरेज बनाया, फुल स्टोरेज यहाँ पे, बिगर स्टोरेज बनाया यहाँ पे, ड्रावर्स दिया हितेश का, स्टोरेज स्पेस दिया, फ्रिज के लिए स्पेशल स्पेस बनाया, स्लाइडिंग डोर का कॉम्बिनेशन दिया। ये फुल सेट हमने डुअल टोन कॉम्बिनेशन में किया, नीचे फ्लोर हमारा क्रीम था इसलिए फुल डार्कर सेक्शन दिया, यहाँ पे हमने फुल एक व्हाइट थीम का कॉन्सेप्ट दिया, प्रोफाइल लाइट्स लगाया फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक और एक वॉल माउंटिंग फैन दिया। एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट था, हमने यहाँ पे डबल पैनलिंग्स करके बाहर का एक आर्टिफैक्ट्स दिखा के इनसाइड भी एक स्लाइडिंग डोर करके कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग डोर्स करके हमने फुल एक शीट्स डाल के लिया ये डुअल कॉम्बिनेशंस के साथ विद वॉल पैनलिंग। अभी हमने लिविंग रूम कवर किया, किचन कवर किया, अभी हमारा कवरिंग टाइम है पैसेज एरिया। पैसेज बहुत छोटा एरिया है लेकिन पैसेज को हमने फुल, जो ये आप थीम देख रहे हैं सेफ्टी डोर के पीछे वाला, ये स्लाइडिंग डोर वाला टीवी यूनिट का हो, अभी हमने यहाँ पे फुल वॉल पैनलिंग किया और तीनों डोर्स का समय का हमने लिविंग रूम का एक फुल कॉन्सेप्ट जैसा हमने किया, डुअल टोन कॉन्सेप्ट्स में ये डोर्स समय का और ये पूरा पैनलिंग करके हमने एलईडी लाइट्स लगा के लिए। अभी ये कॉमन वॉशरूम, अभी ये कॉमन बेडरूम और ये मास्टर बेडरूम। तो हम लोग अभी फर्स्ट कवर करते हैं बेडरूम में। अभी जैसा हम लोग एंटर करते हैं बेडरूम में, आते हैं एंटर करते हैं ये बेडरूम में, ये बिगर बेडरूम्स है। अभी हमने यहाँ पे क्या क्या किया ये बेडरूम सेट्स में आपको क्लियर बोला। फर्स्ट आता है ये पीओपी डिजाइनर पीओपी, फर्स्ट लुक में आता हमने यहाँ पे फुल एक वॉल पैनलिंग किया और स्टडी यूनिट, दो जन को कंफर्टेबल है, दो जन है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, इनको एक बेटा और एक बेटी, दोनों के लिए कंफर्टेबल चेयर्स, बीच में हमने ड्रावर्स डाला, लॉट ऑफ स्टोरेज के लिए प्रोफाइल लाइट्स डाला दोनों साइड्स में, स्टोरेज प्लेस दिया, एसी पैनल्स लगाए, डी डेकोर का पर्दे किए, ये बेड पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे फुल एक यू शेप बेड आने जाने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन डाला, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल दिए, साइड ड्रावर्स दिया, बेड हमने ये फुल 5x6 का बेड्स बनाए, प्रीमियम बेड्स हम लोग बनाते हैं रोशन इंटीरियर्स, इजी टू ओपन इजी टू क्लोज, जितना वार्डरोब में स्पेस है उतने हमारा पूरा बेड में स्पेस है, ओजोन फिटिंग्स डाला है फुल और फुल वन पीस में सनमाइका, इजी टू ओपन इजी टू क्लोज के साथ, और यहाँ पे हमने ये फुल डिजाइनर कुशन डाला है, कंफर्टेबल स्पेस है इन आउट जाने के लिए, राइटिंग टेबल्स बनाए, स्टोरेज प्लेस बनाए, यूनिट्स बनाए, डिजाइनर पीओपीस बनाए, एसी का पैनल्स बनाए। अभी जो डोर से एंटर करते हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोज बाहर से आने के बाद टांगने के लिए हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाया, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाया विद लॉफ्ट्स के लिए। ये प्लेस आने के बाद एक फुल डिजाइनर स्लाइडिंग डोर्स डाला,
डिजाइनर शीट्स के साथ, उनका कॉम्बिनेशन कलर्स टी पट्टी जरा 304 का, प्रीमियम हैंडल्स के साथ, वॉर्ड्रॉप्स ओजोन फिटिंग्स का, कस्टमाइज शेल्फ्स डाला ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ, फुल स्टोरेज दिया अपर एबव में, यहां पे भी हमने फुल ये वॉल पैनलिंग किया, और ये फुल सेट हमने दो कलर कॉम्बिनेशन में फुल वन थीम में किया। एंटर करने के बाद हमारे पास ये स्मॉल स्पेस बचा था, स्पेस के लिए हमने यहां पे फुल पैनलिंग किया, यहां पे कॉर्नर्स दिया, एज बेंडिंग कर दिया, एज हम लोगों ने साइड में हमने कॉर्नर्स दिया, और ये फुल एक आर्ट इफेक्ट्स बेड्स के बाजू में लगाया डोर के एग्जैक्ट नियर बाय में, तो एंटर करने के टाइम भी डिफिकल्टीज नहीं है, और वहां से एंटर करते समय ये हमको स्पेशल आर्ट इफेक्ट्स आपको दिखते हैं, और ये फुल वन सेट, और ये हम लोग डुअल थीम में कॉम्बिनेशन किया, एक डिजिटल शीट्स ये कलर और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में किया डिजाइनर पीओपी के साथ। जैसे हम लोग डोर एंटर करते हैं, हमने यहाँ पे एक स्पेस बचा था, हमने ये फुल वॉल पैनलिंग किया, कर्विंग्स मोड दिया, एडी लाइट्स डाला, शो पीसेस डाला आर्ट इफेक्ट्स के लिए, और ये ब्यूटीफुल एक व्यू पॉइंट हमारे को वहां से दिखता है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स में हम लोगों ने साइड कॉर्नर्स में डाल के एक आर्ट इफेक्ट्स का एक फुल डिजाइनर यूनिट्स बनाया। आपको मैंने बताया था कि बेडरूम, अभी हम लोग करते हैं मास्टर बेडरूम में, ये पैसेज दिया है मास्टर बेडरूम में, आपने दोनों साइड्स आपने देखा होगा हमने फुल एक वॉल पैनलिंग किया, डुअल कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल पैनलिंग किया, तो हमारा जो यूजेबल कपड़ा है रखने के लिए जगह नहीं रहता, तो हमने यहाँ पे हमारा अभी सब वार्डरोब्स में हमने एक्स्ट्रा एक स्पेस बनाया, एक्स्ट्रा वार्डरोब्स बनाया, और यहाँ पे अलग अलग कपड़ा यहाँ पे रखने के लिए हमने प्रोविजन किया, तो ये यूजेबल डेली यूजेबल इन आउट के लिए ये सबसे मेजर थिंग्स था हमारा बेडरूम सेट्स में। आई बेडरूम सेट्स में एंटर किया, आपने ये फुल वॉल पैनलिंग्स देखा, बाथरूम्स का डोर्स को हमने सेम कॉम्बिनेशन दिया, और ये बाहर का डोर को हमने टीवी यूनिट का और लिविंग रूम का सनमाइका डाला, और मास्टर बेडरूम का सनमाइका हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम का सनमाइका डाला। अब ये फुल एंटर करने का टाइम, फर्स्ट लुक है हमारा ये डिजाइनर वार्डरोब, ये एकदम वन ऑफ द बिगेस्ट वार्डरोब है ये फ्लैट का, यहाँ पे हमने फुल स्टोरेज दिया मास्टर बेडरूम में, ये फुल एल शेप हमने स्टोरेज दिया यहाँ पे फुल, और ये फुल एक वन थीम का जैसे हमने यहाँ पे वॉल पैनलिंग किया, ये बिगर मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे कंफर्टेबल स्पेस डाला, किंग साइज बेड डाला, वॉकेबल के लिए स्पेशल स्पेस है, कस्टमाइज वार्डरोब्स बनाया, यहाँ पे हमने लॉकर सिस्टम दिया, ड्रावर्स दिया, कस्टमाइज दिया, सॉफ्ट क्लोजर्स दिया, ब्रांडेड फिटिंग्स दिया, टी पट्टीज लगाया, ये फुल मिरर दिया हमने यहाँ पे विद ड्रावर्स, ये फुल एक वन सेट हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स डाला, ये फुल एक सेट डुअल कलर कॉम्बिनेशन ऑफ एक सनमाइका डाला फुल वॉल पैनलिंग के साथ। मास्टर बेडरूम इतना बड़ा था तो हमने यहाँ पे फुल स्टोरेज दिया एल शेप, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाया, स्लाइडिंग का साइड में स्पेस था तो हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाया एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए बनाया, यहाँ पे हमने वॉच टाइमिंग दिया, और ये फुल वन सेट हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम में करने की कोशिश की। अभी मैं आपको अपोजिट साइड दिखाता हूँ, ये बेड्स प्रीमियम बेड्स हमारा, यहाँ पे भी बहुत मास्टर बेडरूम बड़ा है तो ये दोनों साइड का हमारा पैसेज बड़ा है, यहाँ पे हमने डबल साइड मिरर्स दिया, वहां पे वॉल पैनलिंग मिरर दिया, यहाँ पे हमने स्टोरेज दिया ड्रेसिंग टेबल का, यहाँ से फ्लावर्स दिया हितिज का, कुशन्स डाला हमने, एक प्रीमियम लुक के लिए हमने डी डेकोर का पर्दे यूज किए, एसी पैनल्स किया, ये डिजाइनर पीओपीस, और ये ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स बेड के ऊपर हमने डालने की कोशिश किया।